और अब आपके काम की खबर। कैंसर, एचआईवी, एड्स और हेपेटाइटिस सी जैसी खतरनाक बीमारियों की दवाएं सस्ती हो सकती है। सरकार ने जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2011 में संशोधन किया है। अब इस सूची में शामिल दवाओं की संख्या 376 हो गई है। कैंसर, एचआईवी, हेपेटाइटिस सी जैसी खतरनाक बीमारियों से जूझ रही मरीजों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 2015 को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद कुछ जरूरी दवाएं सस्ती हो जाएंगी। इससे पहले नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 2011 में आई थी, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर कई नई दवाओं ने बाजार में एंट्री की है। इसके चलते इसमें करीब 70 पुरानी दवाओं को बदला गया है, साथ ही 28 नई दवाओं को भी शामिल किया गया है। इस लिस्ट में एनल्जेसिक्स, एंटीवायरल, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कार्डियोवास्कुलर और टीबी की दवाएं भी शामिल है। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा था, हमने उसका अभ्यास किया है, कमिटी भी बनाई है। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में पेशेंट के साथ में स्टेन की कीमत ली जा रही है, तो हम बहुत जल्दी उस पर अच्छा काम करेंगे। ये बहुत गंभीर और इमोशनल बात हमें देखने में आई है, तो हम इस पर बहुत ही तरीके से संवेदना समझते हुए हम काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री को भी बहुत हम तकलीफ देना नहीं चाहते, क्योंकि इंडस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कमा रही है, मीडिएटर्स कमा रहे हैं। 1996 में बनी नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में तीसरी बार बदलाव किया गया है। सरकार के मुताबिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ और ग्राहकों के खरीदने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। सरकार ने पिछले साल मई में इस लिस्ट में बदलाव करने के लिए कमेटी का गठन किया था। इसमें दवा कंपनियों, एनजीओ और एक्सपर्ट की राय लेने के बाद बदलाव किया गया है। कमेटी ने इसको तुरंत प्रभाव से लागू करने की सिफारिश की थी, साथ ही कहा था कि हर 3 साल बाद दवाओं की इस लिस्ट में बदलाव होना चाहिए। सरकार देश में बिकने वाली करीब 30% दवाओं की कीमत पर कंट्रोल रखती है, लेकिन इस नई लिस्ट के लागू होने से कई जीवन रक्षक दवाएं उपभोक्ता की पहुंच में आ जाएंगी और उपभोक्ता के इलाज का बिल कम होगा। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली।